22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और उससे पहले सियासत भी काफी गर्माई हुई है। आज कांग्रेस का एक डेलीगेशन अयोध्या पहुंचा जिसमें कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल थे, जिसमें हरियाणा में कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय भी मौजूद है। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा समेत सभी कांग्रेसी नेताओं ने सरयू नदी में स्नान किया, डुबकी लगाई। हालांकि कांग्रेस के नेताओं की तरफ से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जाने से इनकार किया गया है। जो निमंत्रण दिया गया था मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी को, उसको अस्वीकार किया गया है कांग्रेस की तरफ से और कहा कि हम सम्मान के साथ इसको अस्वीकार करते हैं क्योंकि बीजेपी ने इसको एक इवेंट बना दिया है। लेकिन उससे पहले रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे कांग्रेस के नेता और सरयू में डुबकी लगाई। देखिए देखिए, भगवान राम हम सबकी आस्था का प्रतीक है, हम सब भगवान राम सबके हैं और सबके भीतर भगवान राम हैं। और मैं अयोध्या पहली बार नहीं आया, मैं एक वर्ष पहले भी भगवान श्री रामलला के दर्शन करने यहीं अयोध्या नगरी में मैं आया था और आज भी मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर उनके आशीर्वाद की प्राप्ति हो, एक उनके आशीर्वाद से एक ऊर्जा का की अनुभूति हो, आज उस उद्देश्य से हम यहाँ पे आए हैं। भगवान राम सबके हैं, पूरी पूरे ब्रह्मांड पूरी सृष्टि के भगवान राम हैं। और मैं तो जिस पर जहाँ जिस क्षेत्र से आता हूँ उस क्षेत्र में तो दिन की शुरुआत भी राम राम करके करते हैं। उस क्षेत्र में तो जब बारिश होती है, वर्षा होती है तो कहते हैं राम बरस गया। उस क्षेत्र में मजदूर और किसान अपने खेत में जब हल लगाता है या ट्रैक्टर करता है तो भगवान का नाम लेके कोई नया काम शुरू करता है, हमारी आस्था का प्रतीक है और आज उस रूप में हम आए हैं।